राजधानी रायपुर में उद्योगपतियों के हड़ताल को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया है। बता दें कि अपने बयान में उन्होंने कहा है कि बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आमजन त्रस्त है। इसको लेकर कांग्रेस ने आंदोलन भी किया, उद्योगपति भी अब आंदोलन की राह पर चल पड़े हैं। सरकार को गंभीरता से उनकी विचार कर उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। ST SC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने कहा कि ST SC सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में संरक्षित वर्ग है, इनको संरक्षित करके करने का दायित्व सरकार का है। इस वर्ग को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार ने काम किया, विधानसभा में संविधान के तहत प्रस्ताव पास किया। SC ST और OBC का आरक्षण बिल अभी तक राजभवन में अटका पड़ा है, इसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी उसका उतना ही हक मिलना चाहिए। तरह से लगातार बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता त्रस्त है। लगातार बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी की और इसके बाद अब उद्योगपति भी आंदोलन की राह पे चल पड़े। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी नहीं है, खनिज संसाधन की कमी नहीं है, न जल जंगल की कमी है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। उतनी संसाधन में अगर कांग्रेस की सरकार कम दरों में बिजली दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बिजली नहीं दे सकती। आज उपभोक्ता परेशान, उद्योगपति परेशान, इसी का नतीजा है कि उद्योगपति भी हड़ताल कर रहे हैं और उद्योग बंद कर रहे हैं। इससे कई लाखों मजदूर प्रभावित हो गए हैं, चूल्हे नहीं जल रही है। देखिए ST SC सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश के संरक्षित जनजातियां हैं और इसको संरक्षित करने का दायित्व सरकार का है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकार हमारी कांग्रेस की सरकार में इन पिछड़ी जातियों को ऊपर उठाने के लिए हमारी सरकार ने विधानसभा में संविधान के तहत प्रस्ताव पास किया कि ST OBC और SC को इतने % आरक्षण मिलना चाहिए, वो अभी तक राजभवन में अटका हुआ है। तो इसका पालन राज्य सरकार को करना चाहिए और उतना हक, जिसकी जितना आबादी उसका उतना हक